Hello everyone, assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. आज मैं गाड़ी में बैठ के व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, सिर्फ इसीलिए आयशा कॉल लो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी बस फटाफट से तैयार हुई हूँ और हम लोग निकले हैं, तो मैंने कहा चलो गाड़ी में बैठ के ही व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो भाई आज का सीन कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को पता है कि ईद आने ही वाली है, बस 2 से 3 दिन मुश्किल से रह गए हैं और फिर ईद है और अभी तक हमने जानवर नहीं लिया है। हम लोग इतनी जल्दी नहीं लेते हैं जानवर, हम यूजुअली 2-3 दिन पहले ही लेते हैं। अभी जो सीन है वो ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं एज यूजुअल शॉपिंग करने, क्योंकि हमने कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं की है, तो हमने कहा चलो आज चलते हैं मॉल और कुछ देखते हैं क्योंकि ईद पे कपड़े भी तो पहनने हैं। वैसे तो ये ईद जो होती है वो होती ही जानवरों की है, बट फिर भी हमने कहा हम कुछ तो पहनेंगे, तो इसलिए हमने कहा चलो भी फटाफट से हम चलते हैं मॉल और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। तो लेट्स गो। वो भी मैंने पहन लिया है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, क्योंकि मैंने यही वाला ड्रेस जो मैंने पहना हुआ है, मैंने सोचा था मैं बकरीद पे पहन लूंगी, बट मैंने आज पहन लिया शॉपिंग के लिए मैंने पहना। एग्जैक्टली तो मम्मा ने मुझे जबरदस्ती किया, मैंने कहा पहन लो पहन लो पहन लो और ले लेना, मैंने कहा चले भाई ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस अब ये सो चुकी है, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये रात में भी नहीं सोई है इस वजह से, अब देखती हूँ इसको कब उठाना है। 20 मिनट्स लेटर हम भी बैठे हुए तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और रास्ते में इतना ट्रैफिक और मैं तो सो भी गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी नींद जो है वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई हुई है। रात में मैं बहुत लेट सोई थी और सुबह फिर मैं यूनिवर्सिटी चली गई और फिर मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ, मैंने चेंज किया है और अब हम लोग शॉपिंग के लिए आ गए। मैंने कुछ तो मैं गाड़ी में ही थोड़ी बहुत देर के लिए मेरी आँख लग गई थी, अब हम पहुँच गए हैं और मॉल में भी एज यूजुअल बहुत रश है। वैसे मैंने ये लोग अच्छा लग रहा है हाँ, लेकिन नहीं इस तरह के मेरे पास बहुत है, मम्मा वही बोलेंगे कि तुमने फिर यही कलर ले लिया है। तो जनरेशन में आके हमें कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि जनरेशन में इतने लंबे लंबे कपड़े लगे हुए होते हैं, बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग फ्रॉक्स लगे हुए होते हैं, कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या लूँ। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बोनांजा, तो हम चलते हैं और देखते हैं कि बोनांजा पे क्या आया हुआ है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खास आइटम्स आए हुए नहीं हैं, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो बोनांजा में भी आकर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ। क्या कह रही हूँ? अच्छा नहीं है बोनांजा, यहाँ पे भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने इतने से बच्चे अडिक्टेड हैं फोन के, क्या होगा फिर जब हमारे बच्चे होंगे, उनका क्या होगा, लेके ही आएंगे। ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। बराबर चला गया, बंद हो गया बेटा। क्यों? अब मुझे यहाँ से शर्ट देखनी है, क्योंकि मुझे आउटफिटर्स पे एक शर्ट, आई स्वेयर मुझे आउटफिटर्स पे एक शर्ट समझ नहीं आई, मतलब इतने अजीब और गरीब कलेक्शन निकाली हुई है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया भाई। तुमने तो अपनी सारी शॉपिंग कर ली, सुकून में हो ना तुम तो, अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया है, सिर्फ एक पैंट के अलावा ना मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी। 20 मिनट्स लेटर तो भाई इतनी देर बाद मुझे कोई ड्रेस समझ आया है, वो भी ये ड्रेस है और मैं इसको फाइनल करने वाली हूँ। अच्छा लग रहा है, हाँ जॉब चेंज करके आ जाओ। तो फाइनली मेरा और मम्मा का एक एक ड्रेस हो गया है, बट मुझे जो शर्ट चाहिए थी कैजुअल यूनिवर्सिटी के लिए वो अभी तक मुझे कहीं भी नहीं मिली है। मैंने आउटफिटर्स देख लिया, वहाँ अच्छी नहीं थी, मैंने मीम देख लिया वहाँ अच्छी नहीं थी, अब मैं एक दो जगह मैंने ब्रेकआउट देखा वहाँ भी अच्छी नहीं थी, सो लेट्स सी अब मुझे कहाँ जाके पसंद आती है, बट लूँगी तो मैं आज ही। A few moments later. अभी मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है जो कि नहीं हुई है, मैंने तो कर ली है अपनी आउटफिटर्स से शॉपिंग दबा के, बट मुझे आउटफिटर्स नहीं आया समझ। आयशा तुम्हारी उसमें कोई मसला है बेटा? बेटा इसमें
तो अब हम खाड़ी आए। जासिर को बहुत नींद आ रही है, जासिर ने सोच लिया है आखिरकार एक लड़की मिली गई। जासिर ने सोच लिया है कि जासिर इसका सहारा ले ले। जासिर तो भाई शुरू ऐसी लड़की नहीं लूंगा, बहुत प्यारी लूंगा। तो भाई मैंने इतने सारे कपड़े उठा लिए हैं बट मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए, सो लेट्स सी कि अब मुझे ट्राई करके क्या समझ में आता है। अल्लाह करे मुझे कुछ समझ आ जाए और मैं फाइनल कर दूँ। सब कुछ हो सकता है सिवाय लड़कियों की शॉपिंग खत्म होने के, सब कुछ हो सकता है। 2000 years later. Guys, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ लेकिन हमारी शॉपिंग ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही है और अब मुझे भूख भी लग रही है और देखते हैं कब तक यहाँ से फ्री होते हैं। More is less. तो भाई हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है और जासिर बेबी बहुत बोर हो चुके हैं। मेरी शॉपिंग ज़्यादा नहीं हुई है, जासिर की शॉपिंग ज़्यादा नहीं हुई है तो इसलिए जासिर बहुत अपसेट उदास खड़े हैं। बट अभी हम जासिर को भी थोड़ी सी और शॉपिंग करा देंगे बट ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको पता है क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, अभी हमें डिनर पे जाना है। कल चलेंगे, कल हम कल जासिर हैदर की शॉपिंग करवाएंगे। अभी थोड़ी सी हुई है, बाकी सारी हम कल करेंगे। और अभी आज सिर्फ गर्ल्स शॉपिंग डे था बाय द वे, कल आजम का और आपका शॉपिंग डे होगा, आज हमारा है। सो यहाँ पे हमारी शॉपिंग का इख्तिताम होता है और अब हम जाएंगे डिनर के लिए। जैसे बैग तुमने यहाँ रखे हैं कल की तरह ये भी यहीं छोड़ देना, सही है? 1990 तो भाई हम लोग मॉल से फ्री हो गए थे और उसके बाद हम लोग घर गए और बाकी हमने सबको घर से पिक करना था, जो जो घर पे थे बाबा वगैरह उन सबको हमने पिक करा है और अब हम लोग निकले हैं। हम लोगों ने हाईवे जाना है खाना खाने के लिए बट इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, हम जो रूट चूज़ करते हैं ना उस पे ट्रैफिक है, अभी भी शदीद ट्रैफिक जाम है। होपफुली हम पहुँच जाएँ क्योंकि 10:30 तो यहीं पर ही हो रहा है। तो भाई फाइनली इतने ट्रैफिक के बाद, हाँ एंट्रेंस शायद यहीं से ही है, इतने ट्रैफिक के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी जो हमारे आधे लोग हैं जो कि दूसरी गाड़ी में थे वो अभी तक नहीं आए हैं, तो अभी हम अंदर चलते हैं, एंट्री करते हैं और फिर उनका वेट करते हैं। गाइस हमें फाइनली जगह मिल चुकी है और हम लोग सबसे टॉप पे बैठे हैं और लिटरली इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतना आशा चल तो रही है। अंधी हो गई हो, कोई तुम्हारी आंखें दिख रही थी कैमरे का, मैंने एंगल गलत ले लिया तो तुम ये दिख रही हो। कोई नहीं प्यारा मजे का मौसम हुआ है, आई जस्ट लव इट। मैं नीचे से दिखाती हूँ, ये लो। Yummy, I was just craving for this. Thank you. Happy birthday. Cute. A few moments later. चलो मम्मा जल्दी से बिल दे दो। बाबा वॉज रिक्वेस्टिंग कि मुझे आज बिल देने दो बट मम्मा वॉज लाइक कि नहीं आप आज बिल नहीं देंगे, आज बिल मैं ही दूंगी। Are you happy? हमें ट्रीट दे के खुश हो रही है मम्मा, वो भी फ्री में फजूल की ट्रीट। ओके सो समवन वाज सेइंग कि हवा नहीं चल रही है। हाँ भाई अभी यही बोलोगी, अब चलने लगी है। पिछले आधे घंटे से जिस वक्त हमारा खाना आया था उस वक्त से माशाल्लाह इतनी प्यारी बोल रही थी, उस वक्त आपने झूठ कहा था तो अल्लाह ताला ने बोला चलो। नहीं इसके सब्सक्राइबर ऐसा कुछ नहीं है, जिस वक्त मैंने बोला कि माशाल्लाह से अच्छा मौसम हो रहा है उस वक्त अच्छी प्यारी हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन इस वक्त बहुत तेज और प्यारी हवा चल रही है। बहस करने का मूड नहीं है। The next day. ये मुझे वाला वाइट पसंद आया था, ये वाला वाइट पसंद आया था और एक वाइट वहाँ बैठा हुआ था पिक किया, आई थिंक वो पसंद आया था। इन दोनों को चैन नहीं, ये दोनों आज भी लड़ रही है, आज भी लड़ रही है, ये उस दिन भी लड़ रही थी। हाँ इनको चैन ही नहीं पड़ रहा, बेचारा सुकून से बैठा हुआ ये। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं यार यहाँ पे, और ये वाला तो मुझे अच्छा लग रहा है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। आप पसंद करो ये कितने का? गुस्सा बहुत गुस्से में है ये। ज्यादा बताए चलाए इसको जरा। आंखें ही बंद कर ली उसने तो अपनी। वो हाथ लगा रहे हैं। छोड़ छोड़ आएगा। इनमें फिर से हो गई है कुश्ती शुरू। इन दोनों को चैन ही नहीं आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा सौदा फाइनल हो चुका है और हमने जानवर ले लिया है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने कौन सा जानवर लिया है। पहले इन दोनों को देख लो। A few moments later. ये वाला हमने जानवर फाइनल कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और बहुत ही मासूम और शरीफ सा है बेचारा। ये सारे इसके दोस्त खड़े हुए हैं यहाँ पे जो कि बहुत गुस्से वाले हैं। इसको पता चल गया है कि इसको अब हम घर लेके जा रहे हैं, इसलिए वो डर डर के रुक रुक के चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तो बहुत पसंद आया है। आपको पसंद आया? बहुत प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह कुर्बानी कबूल फरमाए हमारी भी और आप सबकी भी। क्या हुआ मम्मा? इधर थी ना, मैं ही तो सामने थी। मम्मा बिल्कुल सामने थी और हमारा जानवर भाग गया। हम उसको ऊपर चढ़ा रहे हैं और वो उसने रस्सी छुड़वाई वो भाग गया। और मम्मा क्या हुआ आपके साथ? मेरा दिल वो मेरे बिल्कुल मुंह के भाग की तरह। मैं तो इतना डर गई, मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ कहाँ भागूँ, यहाँ कोई जगह भी नहीं है। उसको सही चढ़ाया ही नहीं ना, दैट्स व्हाई अब उसको ला रहे हैं। है वो मासूम लेकिन उसने ये क्या किया? इतना मासूम नहीं है वो कि उसको खड़ा किया हुआ है और उसको रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को रिलैक्स होने नहीं दे रहा है। मतलब उसने अंकल को पूरा खींच लिया, घसीट लिया, वहां तक लेके गया जहां वो खड़ा हुआ था। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। हाँ इन अंकल को साथ लेके चल लो भाई, उसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा वरना। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह जानवर हमने ले लिया है। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना मासूम जानवर था। और इसने जो करतब दिखाए ना अभी, वो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी हूँ क्योंकि मैं इतना डर गई थी। वो बिल्कुल सामने से आ रहा था कि मैं तो ना कैमरा खोल सकी ना कुछ ना किया, पसीने निकल गए सारे। खैर अब जैसे तैसे करके इसको चढ़ा लिया है, अब टेंशन ये है कि इसको उतारेंगे कैसे। अल्लाह रहम करे और सब अच्छे से हो जाए। 20 minutes later. अम्मा कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत प्यारी है। अब बस ही उतर जाए आराम से। अम्मा ये भाग गई थी। हाय हाय हम ऊपर चढ़ा रही है, भाग गई। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी। जैसे पीछे रहो, ये अगर खुल गई तो मुझे भागना है। ओए होए क्या जंप मारी है, क्या जंप ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई शुक्र है हमने इसको बांध दिया है, अल्लाह का शुक्र है बन गए। लेकिन बहुत गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा। एकदम से यहाँ पे इतना शोर शुरू हो गया कि और डर गया। जितना नहीं कम डर रहा था ना, उतना ज़्यादा ही मज़ीद डर रहा है। अब ये देखो मेरे पास आ रहे भाग भाग के। कसम से मुझे यही लग रहा है, डर लग रहा है भाई। अब ये बदतमीज बकरा बगैर बोले हमारे घर में घुस चुका है और हमारे करीब करीब आ रहे। बाबा इसको भगा रहे, हमारे घर में घुस घुस के जा रहे। तो ये हम खाना लेने आ चुके हैं क्योंकि हमारा जो जानवर है वो इस वक्त शायद बहुत भूखा हो रहा है, उसकी वजह से वो बहुत तंग हो रहा है। यहाँ पे छुरियां वुरियां चाकू वगैरह सब तेज होना शुरू हो चुके हैं, टिक्के बनाने के लिए लोग फुल रेडी हैं। उधर ही तो आगे, उधर ही तो जाएंगे।